कुलू अशरबू व तसद्दकू, खाओ पियो सदका करो, सदका करो, खाने पीने का सबके थोड़ी है, तो दस मुहर्रम पे करूंगा, बारह रफी लबल को करूंगा। पर भाई गरीब आज मर रहा है, तू दस मुहर्रम पे करेगा? नहीं, सैलाब का इंतजार कर रहा हूं, पहले सैलाब आ जाए फिर सदका करो, जलजल आएगा फिर। हाँ नहीं समझो कुछ बात, वो अल्लाह के बंदे गरीब आज बैठा है, तेरे मोहल्ले में बैठा हुआ, तेरे खानदान में बैठा हुआ, क्या बात है? सुन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर को सदका करना सबके का अजर दिलवाता है, रिश्तेदार पे सदका करना डबल अजर है। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या? तो फरमाया, एक सदके का अजर, दूसरा रिश्तेदार से उसके सुलूक का अजर। वो हम अपने फुफ्फा वालों के नहीं जाते, क्यों? हमारी वालदा और उनके दरमियान इख्तलाफात है, वो मर रही है बेचारी, दिल के आर्जन में वो मर रही है, मर जाएगी तो देख भेज देंगे। हमारे यहां तो ये तरीका है, भाई देख भेजता है। अबे सिंधु में काम आओ ना, मुर्दों का दीन थोड़ी है कोई, क्या मरे हो बने तुम करोगे? अबे वो जब जिंदा था जब उसको संभालो, उसके इलाज मुआलजे को देखो, उसकी जन्नत जहन्नम, आज उसकी तीजा चालीस बार करवा के बख्शीश कर पाऊंगा। अबे जब वो जिंदा था उसकी नमाज रोजों के बारे में पूछा था, उसे बिठा के तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता भाई, ये क्यों नहीं पढ़ती है, तू रोजा क्यों नहीं रखती है भाई, या क्यों नहीं रखता है, तुझे अल्लाह ने माल दे रखा है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं करता भाई, तुझे हज की ताकत है तू हज करके नहीं आ रहा, स्विट्जरलैंड घूम कर आया हूं। अबे हज कर क्या,